हेडरूम का मसला है, थोड़ा सा टिल्ट अप करो, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा इधर, ना करो ना करो ना करो, थोड़ा सा कर दो। इधर हाँ मिस करा यार, फ्रेम खराब हो जाएगा। वैसे भी यूट्यूब पे तो तुम्हें पता है हर तरह के फ्रेम चलते हैं, हम क्यों इतनी परफेक्शन में फंस गए। ऑडियो आ रही है? अच्छा जी, ऑडियो का जो सिलसिला है वो मैंने हाथ में पकड़ा है ताकि अनप्लग्ड फीलिंग आए इस व्लॉग की। तो आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा उस पोस्ट की जो मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी। हाँ यही तो, मैं एक फिल्म देखने चला गया था जिसका नाम है जोकर, और आजकल उसकी धूमें मची हुई है, हर इंसान देख रहा है, और क्या बात है उस फिल्म की। बहरहाल बहुत शौक से मैं ये फिल्म देखने गया, पिछले 4-5 माह से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। आईमैक्स की महंगी टिकट ली और अपनी फैमिली के साथ देखने गया, और मेरी फैमिली बैठी थी मेरे लेफ्ट पे और मेरे राइट पे एक ऐसा शख्स बैठा था जो भी बहुत शौक से वो फिल्म देखने आया था। तो जी, फिल्म के ओपनिंग फ्रेम में जब वाकिन फीनिक्स आए थे, हाँ इनका नाम सीखने में और बोलने में मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। एनीवे, इतनी बड़ी स्क्रीन पे जब मैंने उनको देखा तो ये साहब जो मेरे साथ बैठे थे बोले कि यार ये हीथ लेजर है। तो मैंने कहा भाई फिल्म तो गई मेरी। जैसे कि हर फिल्म में होता है, आपका मेन कैरेक्टर होता है, उसकी एक बैक स्टोरी चलती है पहले, जो कि कभी कभी थोड़ी सी बोरिंग होती है, उसको हम सेटअप भी बोलते हैं। सेटअप के दौरान जब फिल्म का सेटअप चल रहा था तो थोड़ी सी बोरियत हुई इन साहब को। अगली बात जो मुझे सुनने को मिली, जो कि वो अपने दोस्त से ही बात कर रहे थे, कहते हैं यार बैटमैन कब आएगा। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरुआत है, फिल्म के 10 मिनट गुजरे थे। ये वो फिल्म है जो कि प्रॉबेबली ऑस्कर्स में काफ़ी धूम मचाएगी, आई एम प्रिटी श्योर, जितनी बेहतरीन ये फिल्म थी। लेकिन ये जो साहब थे जो मेरे साथ बैठ गए थे, मेरी किस्मत कुछ इस तरह की थी कि ये मेरे साथ बैठे। अगली बात जो ये करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है जोकर बैटमैन का बाप है। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, अभी फिल्म के 25 मिनट गुजरे थे सिर्फ, अभी तो रहता था, टाइम तो रहता था, 1.5 घंटा रहता था। आईमैक्स पे इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतनी बेहतरीन फिल्में मैं देखने चला गया था, ये साहब मेरे साथ बैठे थे। कहते हैं असल जोकर कब आएगा, मतलब वो जो था जोकर जो हीथ लेजर ने एक ज़माने में प्ले किया था, वो अभी भी इसी का वेट कर रहे थे कि वो कब आएगा। तो मेरे नसीब में ये फिल्म इन साहब के साथ बैठ के देखने में जो लिखी हुई थी, मैंने इनके साथ देखने के बावजूद काफ़ी इन्जॉय किया इस फिल्म को, मुझे बहुत मज़ा आया, और मेरी तरह और भी सब लोगों को बहुत मज़ा आया। पूरा सिनेमा जो था वो पहले 30 सेकंड के लिए तालियां भी बजा रहा था जब फिल्म ख़त्म हुई, और ये साहब भी तालियां बजा रहे थे, लेकिन ये साहब सरकास्टिक होके तालियां बजा रहे थे, फुल मतलब फुल सरकास्टिक होके ना, मतलब आप जब जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ सार्केज्म के साथ, इसी तरह ये साहब भी लगे हुए थे तालियां बजा रहे, वाह वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात, ज़बरदस्त फिल्म, अंदर से कहते क्या सड़ी मारी है, क्या बकवास फिल्म है। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात इन्होंने बहुत ठीक की, अपने दोस्त से मुखातिब थे, कहते हैं यार इससे बेहतर था मायरा खान की सुपरस्टार ही देख लेते। तो ये तो हो गया जोकर का रिव्यू, फिल्म जोकर का नहीं, ये जो मेरे साथ जोकर बैठा था उसका रिव्यू था ये। द 5 मिनट शो में ब्रेक आई हमें पता है, और कोई बात नहीं, यूट्यूब है भाई, ब्रेक्स तो आएंगी, लेकिन हम बहुत जल्द आ रहे हैं, प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक, और मैं कुछ और ही अंदाज में आपको नजर आऊंगा, कुछ इस तरह। बस बस बस, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, ये लें। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी, लागे ठीक है शिखर, अब तो ठीक है सब कुछ, मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। तो यार मैंने बैठे डायलॉग तो बोलन दे। ओके ये तो था सिर्फ एक एक्ट, इस तरह के कई एक्ट्स आएंगे, स्टे ट्यून्ड, देखते रहें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें,
और जो भी YouTube पे लोग करते हैं वो करें, हमें सपोर्ट करें, हम आ रहे हैं वापस बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। मैक्सिमम सड़ियाँ मार दी आज तो, मैक्सिमम सड़ियाँ। ओ बाय द वे, ये देखें आप, डू चेक इट आउट गाइस।